हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल गांव गदपुरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सुरक्षा को लेकर के आपकी संगिनी कार्यक्रम के छात्र छात्राओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 3 स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थी, गांव की महिलाएं, मौजूद व्यक्ति और गदपुरी चौकी के इंचार्ज ASI सत्यनारायण, महिला थाने से महिला थाना सिपाही रचना और उनकी टीम की साथी भी उपस्थित रहे। स्कूल में उपस्थित सैकड़ों छात्र छात्राओं और गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। की संगीनी प्रोग्राम चलाने का हमारा ये उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना कि अगर कोई भी ऐसा कुछ गलत करता है या गलत बोलता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हर एक को ये पता हो कि जो लोगों के मन में डर है पुलिस के प्रति, वो डर उनका मिट जाए। ये ना हो कि वो पुलिस को अपनी बातें ना बता पाए। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इनको ये समझा पाएंगे कि जो बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, उनके मन में पुलिस के प्रति डर है, वो बाहर निकल जाएं। और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो पुलिस वो कार्रवाई करेगी और उसको इस चीज़ में सज़ा मिलेगी कि कोई भी जो अपराधी है वो इस चीज़ में छूटे ना। हमारे इस जो ये प्रोग्राम है, इसका यही उद्देश्य है, हर एक तक इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में बताना। ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये महिला सुरक्षा के ऊपर है। इसमें बताया जाता है कि अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें इस चीज़ से कैसे बचा जाए या फिर कैसे वो इस चीज़ के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारा एक नुक्कड़ नाटक है जिसके एक्ट के जरिए बताया जाता है कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। और एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है जिसके जरिए उनको बताया जाता है कि आप खुद की स्वयं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि कोई अगर आपका हाथ पकड़ता है या फिर कोई आपको खींच कर कहीं लेके जाता है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं जब आप अकेले हो। इसके बाद इस प्रोग्राम से लोगों के मन से पुलिस का डर भी कम होगा और एक उनके अगर कोई गलत होता है तो वो बता पाएंगे या फिर समझा पाएंगे लोगों को। नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी हमें बहुत कुछ पता चला है। बेटियां अकेली घर चौराहे पे खड़ी होती हैं तो उनको अकेला देख के लोगों का भी साहस बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमें उनका साहस बढ़ता है तो हमें उनका साहस और नहीं बढ़ाना, उनका घटाना है। अगर तुम हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं तो हमारे पास है तो एक नहीं कि हम 100 या 109 पर 109 पर कॉल करें। इससे पुलिस या फिर जो हमारी महिला मंडल होता है वो एक वुमेन के हेल्प के लिए तुरंत हाजिर होगा। आप इसके थ्रू आपकी बहुत सारी प्रोटेक्शंस होती हैं, हो सकती है, और आप घर में बिल्कुल सेफ रहोगे। घर में क्या, आप सभी जगह सेफ रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहीं पर भी आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। कोई महिला और स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्रा कभी भी टोल फ्री नंबर 1091 और 100 पर फोन कर सुरक्षा मांग सकती है, जो उन्हें पूर्ण रूप से मुहैया कराई जाएगी। पलवल से वीना चौहान की रिपोर्ट।